नमस्कार दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से निर्णायक लड़ाई के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोसेस यानी टीकाकरण का मुहिम शुरू कर दिया गया है। भारत में दो तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ने तैयार किया है जिसका नाम है कोविशील्ड। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है वो बना रही है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है। दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है और जिसे भारत बायोटेक बना रही है। दोनों वैक्सीन के दो डोज लेने होते हैं 4 हफ्ते के अंतराल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों वैक्सीन के बारे में, दोनों वैक्सीन कैसे विकसित किया गया, कहाँ विकसित किया गया, आपकी मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में वैक्सीनेशन के बाद या टीका लगवाने के बाद हमारे शरीर में ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो पहले बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड की। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। अगर इसकी एफिकेसी की बात करें यानी ट्रायल के नतीजों की बात करें तो अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उनमें 70 से 90% नतीजे सही पाए गए हैं। ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, यानी ये जो वैक्सीन है वो आपको इंजेक्शन के रूप में इंजेक्शन द्वारा आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद ये आपके शरीर में काम करना शुरू करेगा। इसके दो डोज होंगे जो आपको 4 हफ्ते के अंतराल में लेने होंगे, दोनों ही डोज इंजेक्शन के थ्रू ही लेने होंगे। इसको स्टोरेज करने की बात अगर करें तो इसको रेफ्रिजरेटर में 6 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। अब अगर इसकी मेडिकल टर्म में इसकी बात करें कि इसे किस तरह से विकसित किया गया है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है इस वैक्सीन को, तो आपको बता दें कि इसे मेडिकल टर्म में AZD1222 के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन कोल्ड वायरस या एडिनो वायरस का एक कमज़ोर किया गया रूप है जो चिंपांजी में पाया जाता है। इस वायरल वेक्टर में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल होता है जो वायरस की ऊपरी सतह पर मौजूद उभार उसे इंसानी सेल यानी ह्यूमन सेल्स में चिपकने में सहायता करता है। ये वैक्सीन नकली स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है जिससे शरीर के अंदर एक डिफेंसिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिस प्रोसेस से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है, और या आप ये कह लें कि इम्यून सिस्टम जो आपके शरीर के अंदर है उसको और बढ़ावा मिलता है, उसको और तेज़ करता है ये वैक्सीन, और इस तरह आपका शरीर जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ले जाया जा सकता है और 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। इसकी भारत सरकार के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत करीब 200 रुपये प्रति डोज हो सकती है, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत करीब करीब 1000 रुपये हो सकती है। हालांकि अभी तक ये ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इस वक्त सिर्फ सरकार को सप्लाई की जा रही है, जो पहले चरण में सरकार जिसका इस्तेमाल कर रही है, जो अभी शुरू हुआ है टीकाकरण का मुहिम उसके लिए सरकार को ही दी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 हफ्तों में ये वैक्सीन ओपन मार्केट में खुले बाज़ार में मिलना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे वैक्सीन की यानी कोवैक्सीन की, जिसे भारत बायोटेक बना रही है, और ये वो वैक्सीन है जिसे पूरी तरह से भारत में ही रिसर्च किया गया है और भारत में ही विकसित किया गया है। तो आपको बताते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जिसे भारत में बायोटेक ने तैयार किया है
ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत में ही इसे विकसित किया गया है। इसकी ट्रायल की बात अगर हम करें तो अभी इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी ट्रायल हुआ है उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। ये भी एक इंस्ट्रा मस्कुलर इंजेक्शन है, यानी इसका भी ये भी वैक्सीन जो है वो आपको इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। इसके भी दो डोज हैं जिसे आपको 4 हफ्ते के अंतराल में लेने होंगे, यानी दोनों वैक्सीन के डोज जो हैं वो इंजेक्ट किए जाएंगे आपके शरीर में इंजेक्शन द्वारा, और दोनों ही वैक्सीन 4 हफ्तों के अंतराल पर 2 बार लेने होंगे। अब अगर हम इसकी मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं तो कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड वायरस पर आधारित है, यानी इसे कोरोना वायरस का जो इनएक्टिव वायरस है उससे ही विकसित किया गया है। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे दिखाते हैं कि इस वैक्सीन का कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा है कि अब तक उसने 23,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज लगाई है। कंपनी की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल नवंबर में शुरू हुआ है। इसके आंकड़े जमा किए जाने अभी बाकी हैं। इसकी कीमत की बात अगर करें तो इसकी कीमत भी लगभग 200 से 400 रुपए के बीच ही होने की उम्मीद है। हालांकि अभी ये वैक्सीन भी ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2-4 हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन भी खुले बाज़ार में आ जाएगी और इसकी कीमत भी शायद 200 से 400 रुपए के बीच ही होगी। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी दो वैक्सीन के बारे में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दी है और टीकाकरण में इसी दो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।